फ्रेंड और वेलकम टू टुडे जीके क्लास। दिस क्लास इज फॉर क्लास थर्ड स्टूडेंट। ओके एंड इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस यूनिट 4 दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके द टुडे टॉपिक is well known Indian of today। okay, यहाँ पे इस पेज में कुछ ऐसे famous personality का picture बना हुआ है और नीचे इस जगह पे ये clue उनका है। इनकी मदद से आपको ये जो pictures बने हुए हैं आपको इन्हें identify करना है कि ये किन के pictures बने हुए हैं और दिए गए जो सही प्लेस है, जैसे जो भी सही प्लेस है उस जगह पे आपको क्या करना है, वहाँ पे लिखना है, ठीक है, उनका नाम क्या है। ओके जो पहला पिक्चर बना हुआ है ये है नरेंद्र मोदी। ओके नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये इंडिया के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके सो द क्या होगा इनका, नरेंद्र मोदी इनका होगा। चलिए नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद। ओके सो ये रामनाथ कोविंद कौन है, इंडिया के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति हैं। इंडिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके APJ अब्दुल कलाम, अच्छा APJ अब्दुल कलाम ये कौन थे कोई बता सकता है, चलिए हम ही बता देते हैं। ये इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। ओके इन्हें ये पूर्व मतलब पहले ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ओके चलिए और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, मतलब इनका जो घर वगैरह था वो कहाँ था, तमिलनाडु में था, ठीक है। चलिए चौथा जो दिया हुआ है, ये फेमस पर्सनालिटी को तो सभी कोई जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे इनके बारे में बताना पड़ेगा और ख़ास करके इनके बारे में भी, ठीक है। तो ये हैं अमिताभ बच्चन और ये हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये विराट कोहली। ओके ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। ओके ये एंड लास्ट वन कौन है, ये बॉलीवुड के बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आमिर खान। ओके नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वे क्या है, आई लव इंडिया मतलब इंडिया को कैसे हम प्यार करते हैं, तो इसके बारे में है। देखिए इंडिया में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, और हम इंडिया को एक क्या कहते हैं स्टेट उनका एक फेमस मान लेते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं, ठीक है। तो इसी में जो पहला आपका है क्या दिया हुआ है, ये पिक्चर दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि ये कौन है। तो पहला जो देखिए दिया है द डैश इज़ अवर नेशनल बर्ड, सो ये क्या है, पीकॉक। ओके क्या है ये है आपका पीकॉक, ठीक है। पीकॉक मतलब मोर हमारे देश का क्या है, नेशनल बर्ड माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द डैश इज अवर नेशनल एनिमल मतलब हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, तो ये टाइगर है, इसे हम लोग बंगाल टाइगर भी कहते हैं। ओके बस यही चीज़ कि ये बंगाल टाइगर भी है और इसे टाइगर भी कहते हैं, ठीक। तो हमारे देश का नेशनल एनिमल क्या हो, कौन हो गया, बंगाल टाइगर और टाइगर। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है द डैश इज़ आवर नेशनल फ्लावर मतलब हमारे देश का नेशनल फ्लावर क्या है, तो हमारे देश का नेशनल फ्लावर लोटस है, लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। एंड द लास्ट वन इज द डैश इज़ आवर नेशनल फ्लैग मतलब देखिए नेशनल फ्लैग में कितने कलर हैं, ठीक है, ये आपको तो हमें क्या है ट्राई कलर।
ओके, नेशनल फ्लैग में कितने ही ट्राई कलर, देखिए इस जगह पे इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आप इनकी मदद से इसे फिल कर सकते हैं। ओके चलिए, हाँ अब नेक्स्ट दिया हुआ है बी पार्ट में ही, क्या दिया है फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन, मतलब ऑन द, हम इंडिपेंडेंस डे ठीक है कब मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त, ओके 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त के ही दिन हमारा देश ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, इस वजह से हम 15 अगस्त को अपने देश का क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ओके नेक्स्ट है वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन द, इट मींस इन इंडिया व्हेन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, द आंसर इज 26 जनवरी, बिकॉज इन 26 जनवरी आवर नेशन बिकम रिपब्लिक। ओके रिपब्लिक का मतलब होता है इनका गठन हो गया था 26 जनवरी के दिन में, ठीक है, इसी वजह से हम इनका इस दिन को, गणतंत्र हुआ था हमारा देश इसी वजह से हम इनको इस दिन 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए लास्ट है द मनी यूज इन इंडिया इज कॉल्ड द डैश, इट्स सिंबल इज डैश। अच्छा जो हमारे देश में मनी यूज़ की जाती है आम नागरिकों के द्वारा उसे हम कहते हैं रुपीज़। ओके क्या कहते हैं, रुपीज़। अच्छा और रुपीज़ का सिंबल क्या है, देखिए रुपीज़ का सिंबल ऐसे ऐसे है ये, ठीक है, कैसे है रुपीज़ का सिंबल, ये ऐसे है, ठीक है ये, चलिए वही चीज़ है, हमारे देश का जो मनी यूज़ की जाती है पब्लिक के द्वारा उसे कहते हैं रुपीज़, और उसका सिंबल क्या है, ये दिया हुआ है। ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज साइट सीन, इट मींस एज वी नो दैट द इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री एंड देयर आर सो मेनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन एवरी स्टेट एंड दे हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर दैट स्टेट, दैट्स वाई दे आर हिस्टोरिकल। ओके हमारा जो देश है इस देश में बहुत से ऐसे प्लेस हैं जो अपने अंदर बेहद ही महत्वपूर्ण रखते हैं, इनके वजह बहुत सी है, या तो इनका प्राकृतिक सौंदर्य, या तो इसका खुद का सौंदर्य, या तो इसका जो बनाने का तरीका है, ठीक है ये ठीक, या तो इससे जुड़े इतिहास, ठीक है, तो यही सब वजह है जिसकी वजह से हमारे देश में मोनूमेंट्स अपने अंदर बेहद इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। इंडिया में देखिए उनमें से कुछ पिक्चर्स आपको बने हुए हैं या इसमें आपको दिए हुए हैं, जैसे पहला है इंडिया गेट जो दिल्ली में है। अच्छा आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया गेट आखिर क्यों बना, इंडिया गेट बनने के पीछे रीज़न ये था वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जितने भी सोल्जर शहीद हो गए थे उनकी याद में, उनकी मेमोरी, उनको याद रखने के लिए हमने इस गेट का निर्माण किया और इसका नाम दिया इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है। ओके चलिए नेक्स्ट है रेड फोर्ट, ये भी आपका दिल्ली में है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लाल किला। अच्छा इसे तो सभी कोई जानते होंगे, ये क्या है, ताज महल, क्या है, ताज महल है। ओके और ये ताज महल क्यों फेमस है, देखिए इनकी एक तो इसकी खूबसूरती और दूसरा शाहजहां ने इसे ताज में इसे बनवाया था अपनी बेगम जो डेथ होने के बाद में उनके कब्र को इन्हीं यहीं पे लाके उनको दफना दिया गया था। ओके अच्छा बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सबसे पहले शाहजहां की जो वाइफ थी, ठीक है, उसको सबसे पहले बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश का एक जगह है, जो कहाँ पे है आपका,
इंदौर के पास में है बुरहानपुर, वहीं पे उनको दफनाया गया था। उसके बाद ताजमहल बनने के बाद उस कब्र को यहाँ से निकाल कर और इस ताजमहल में दफनाया गया, ठीक है। चलिए, और ये क्या है लास्ट, ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा, ये कहाँ पे है, मुंबई, ओके, जिसे महाराष्ट्र भी कहते हैं। अच्छा, अरे इंडिया गेट क्यों बना था, देखिए ब्रिटेन के जो उस समय जब हमारा देश गुलाम था तो ब्रिटेन के राजा और रानी दोनों इंडिया आए थे घूमने के लिए, तो उनके स्वागत के लिए इस गेट का निर्माण किया गया था, ठीक है, और इसे दिया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा देखिए, नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, ये इनके बारे में डिटेल में यह समझाया गया है, आप इसे पढ़िएगा और खुद से समझ जाइएगा, आपको मालूम चल जाएगा इसके बारे में, ओके। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिटी ऑफ फ्रेम। चलिए अभी हम इसमें पढ़ेंगे या ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे देश में कुछ ऐसी सिटी जहाँ ये सब ब्यूटीफुल प्लेस हैं, ये केप्स, विक्टोरिया मेमोरियल, ये सब जो भी जगह है, ये किस जगह पे है, ठीक है। और इसके लिए देखिए यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, इस हेल्प बॉक्स का आप मदद लेके इस जगह पे कर सकते हैं, इसे फिल कर सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है क्या, हवा महल, ठीक है, ये क्या है, हवा महल। और हवा महल कहाँ पे है, ये है आपका जयपुर में है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जयपुर, ओके। अजंता केव, अजंता केव एक्चुअल में कहाँ पे है, औरंगाबाद, कहाँ है, औरंगाबाद। और ये औरंगाबाद में रहता है लेकिन कौन से स्टेट में, सो महाराष्ट्र, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज जामा मस्जिद, दिस इज जामा मस्जिद, एंड जामा मस्जिद इज इन दिल्ली, ओके, जामा मस्जिद इज इन दिल्ली। द नेक्स्ट वन इज जहांगीर आर्ट गैलरी, ओके, जहांगीर आर्ट गैलरी इज ऑल्सो इन मुंबई, ओके, इन द स्टेट ऑफ मुंबई। नेक्स्ट वन इज विक्टोरिया मेमोरियल, ओके, विक्टोरिया मेमोरियल इज इन कोलकाता स्टेट, ओके, नॉट कोलकाता स्टेट, इन कोलकाता सिटी, ओके, स्टेट इज वेस्ट बंगाल, ओके। नेक्स्ट वन इज गोल्डन टेम्पल, इसे कौन नहीं जानता है, बिकॉज गोल्डन टेम्पल इज फेमस ड्यू टू हिज क्रिएशन, बिकॉज सो मेनी गोल्ड्स आर यूज टू फॉर्म गोल्डन टेम्पल, ओके, दैट्स वाई दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन टेम्पल। एंड द गोल्डन टेम्पल का एक दूसरा नाम भी है जो अभी मैं भूल गया, लेकिन है, आप उसे सर्च कर लीजिएगा। चलिए, इस ये कहाँ पे मौजूद है, सो अमृतसर, ओके, पंजाब का एक वो है स्टेट है, पंजाब का एक सिटी है जिसका नाम अमृतसर है, वहीं पे ये है, ओके। नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल इज इन मधुरई, ओके, विच इज इन तमिलनाडु, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज गोल गुम्बज, ये गोल गुम्बज कहाँ है, बीजापुर में है, कहाँ पे है गोल गुम्बज, बीजापुर, ओके। स्टूडेंट, इन दिस वे आई कंप्लीट टुडे क्लास, ओके, होप आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बट इफ यू फील दैट यू आर नॉट यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट, देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इन अ ग्रुप सो दैट आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम, ओके, और क्लियर योर डाउट्स, ओके। बट इफ यू सेटिस्फाइड और इफ यू हैव अ क्लियर पॉइंट्स, देन यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक एज वेल एज इन अ बुक, सो दैट इट हेल्प यू टू लर्न द ऑल थिंग्स, ओके, एंड ऑल्सो लर्न ऑल द पॉइंट्स, ओके, थैंक यू।